हारकर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और ये लाइनें जोधपुर के पिंटू गहलोत पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पिंटू गहलोत ने दो अलग अलग दुर्घटनाओं में अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन हौसला हमेशा बनाए रखा। विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला नहीं खोने वाले पिंटू गहलोत ने पहले तो तैराकी में नाम कमाया, लेकिन कोरोना काल में स्विमिंग पूल बंद होने के कारण वो अपनी तैराकी को आगे नहीं ले जा पाए। लेकिन फिर भी पिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। पिंटू ने कड़ी मेहनत करते हुए ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली और अब पिंटू पैरा एशियन प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सभी जगह पर स्विमिंग पूल बंद हो गए थे। ऐसे में पिंटू ने कोच से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग शुरू करने की बात कही। एक समय के लिए कोच भी हैरान रह गए और उन्हें पिंटू की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पिंटू गहलोत ने दृढ़ संकल्प कर लिया था और इसी दृढ़ निश्चय की बदौलत अब मात्र 7 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही पिंटू गहलोत को ब्लैक बेल्ट मिल चुकी है। दिव्यांग ताइक्वांडो खिलाड़ी पिंटू गहलोत का चयन आगामी 11 मार्च से 15 मार्च 2022 को ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैरा 4 WTA प्रेसिडेंट कप एशिया रीजन 2022 के लिए 5 सदस्यीय भारतीय दल में हुआ है। सर, हम लोग अभी 11 से 15 के बीच में हम लोग ईरान जा रहे हैं। मार्शल आर्ट में मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है। अभी 2 साल से कोविड के कारण हम लोगों के स्विमिंग पूल बंद होने के कारण मैंने मेरे कोचेज से बात की तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया मार्शल आर्ट के लिए। तो मैं रेगुलर कहने के मतलब मेरे सर है परविंदर सर, मैं उनके पास रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके आधार पे मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ जो 11 से 15 के बीच में ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाला है। सर, ऐसे मैं रेगुलर स्विमिंग पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। मैं स्टेट चैंपियनशिप चैंपियन हूँ और नेशनल चैंपियन भी हूँ। कोविड के कारण हम लोगों को स्विमिंग पूल बंद होने के कारण 2 साल से बंद है, इसीलिए हमको गेम चेंज करना पड़ा। इसीलिए हम लोग मार्शल आर्ट की तैयारी कर रहे हैं रेगुलर, इसमें मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है। सर, अभी हाल ही में 6 तारीख को स्टेट पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें मैंने 3 में पार्ट किया और 3ों में मेरे गोल्ड मेडल हैं। पिंटू गहलोत को उनके कोच परविंदर सिंह एनर्जी बूस्टर कहते हैं। कोच कहते हैं कि कुछ भी बता दो वो उसे कभी नहीं भूलता। इसी लगन के साथ पिंटू अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि इसी लगन के साथ वो भारत को मेडल जरूर दिलवाएंगे। पंजाब के लिए जोधपुर से जितेंद्र की रिपोर्ट।